चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। यहाँ तो डंडे के तले रहे पुलिस वाले, आवे लड़े के डंडा दिखावे, अब भाई गरीब आदमी अपना चुप हो जाए। रोजगार तो जब तक योगी सरकार भी ठीक, गरीब जनता मतलब कोई हो ही नहीं होगा। अरे लोग दम लगा के ये गरीब को उठा पूछा दिए, तो हमें संघर्ष करने की जरूरत। हम समाजवादी लोग आपको गले लगाने हैं। परिवर्तन की मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए काफी मदद की। कितना विकास हो रहा है, जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापक परिवर्तन किया है। जी, मैं संविधान के साथ खड़ा हूँ। नमस्कार साथियों, चलचित्र अभियान में आपका स्वागत है। आज हम शामली विधानसभा सीट के ताहरपुर भविसा गांव में हैं और उत्तर प्रदेश में चुनाव है 2022 में, विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, और इसी बात की चर्चा करते हुए हम गांव-गांव जा रहे हैं और लोगों के बीच जाके चुनाव के क्या मुद्दे हैं, किस तरह से लोग अपने मुद्दों को समझ रहे हैं, वो बात जानने के लिए हम लोग आज भविसा गाँव में आए हैं। और हमारे साथ कुछ लोग हैं, यहाँ पर हम रविदास मंदिर में हैं, रविदास मंदिर में रविदासिया समाज हमारे साथ है। और ये इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव में ध्यान देने वाली बात यह है कि दलितों का जो वोट है वो किस तरह से देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और हम उन्हीं लोगों से बात करेंगे जो आज यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में किस तरह से वो देख रहे हैं, किस तरह से अपने मुद्दे समझ रहे हैं, और चुनाव में क्या माहौल बनने वाला है उत्तर प्रदेश में। आइए इनसे बात करते हैं। जी क्या नाम आपका? जय सर। जी जय जी, ये बताइए उत्तर प्रदेश में चुनाव है विधानसभा में, इस बार आपको क्या लगता है क्या माहौल बनने वाला है चुनाव? सब कुछ पता नहीं जी, सब कुछ पता हम अकेले कोई पता नहीं। अच्छा, इधर इधर देखिए। अच्छा देख मोदी देख रहा के करेगा, ये दो दड़ी जाने दे रहा, यही मारी दे रहा। अच्छा, ये जो राशन मिल रहा है आपको लगता है वो एक आम मजदूर के लिए क्या वो जायज है? नहीं, कुछ नहीं, परिवार का उसमें पूरा काम हो सकता है, खाने का नहीं होता, नहीं होता, कुछ नहीं होता। रही बात हमारी लड़की है कोई रोड पर जा रही, कहे भाई वो खत्म कर दिया इन्होंने, गुंडेज खत्म कर दी, हमारी लड़की सड़क पर जा रही, सड़क पर ही बलात्कार होने लग रहे, बताओ कहाँ होगी खत्म? अखबार भरे भरे नहीं आ रहे रोज, अखबार तो देखे हैं रोज, अखबार इसी मसले तो भरे हुए आवे कि बलात्कार हुए थे। पिछली योगी सरकार है, जैसे पिछले साल वो कश्यप समाज की 10वीं की लड़की वो एक में खेच के गेल, वो बलात्कार करा और उसमें पुलिस की इनकी 60 गांठ होने के बाद में उसमें क्या हुआ, एक महीने तक कश्यप समाज आंदोलन में बैठा, तुझे मुझे भी कहा, नेताओं को भी कहा, कोई सुनवाई तो नहीं हुई। फिर इनकी आपस में ही बाद में जब वहाँ समाज चली आई तो उसके बाद में कुछ ही करते रहो। ताजी खबर, एक औरत कानले अड्डे पर खड़ी और बाड़े पैर रही, वो एक मोटरसाइकिल वाले को हाथ दिया और वो ले जाकर पंपे तक लाया और पंपे पर, तो फिर दूसरे पंपे पर ले जाकर वो लूट पीट ली। अब वह कहे मेरे बाड़े कहाँ हैं, अब उन बताओ। जब ये जब सहने की दिन के बाद 10 के 11 के बीच का कांड दिया, झूठे वादे बता रहे कि उन्होंने कर रखे, हमने तो कर दिया, इतने सौगात दे दी, फलानी की सौगात दे दी, हमारे लिए तो कोई सौगात नहीं है इस गांव के, बताओ कौन सी सौगात में हमारा काम आ रहा। बात दलितों को नहीं मिला कुछ भी यहाँ भाई, एक सुरक्षा की बात हो रही थी भाई, दलितों की सुरक्षा पे सरकार ने ये काम किया है, वो काम किया है। अभी एक कांड हुआ था, हाथरस कांड हुआ था, उसके पीछे क्या मानसिकता थी सरकार की कि दलित की लड़की को रातों रात जला दिया पुलिस ने, तो ये क्या हो गया है, तो क्यों सुरक्षा सुरक्षित नहीं? राज में सुन भाई, इस राज में यहाँ पुलिस ही बनी थी और किसका झंडा बन रहा, ये तू आ गया तेरे पर ले लिए, मैं आ गया मेरे पर ले लिए, और यूँ झंडा चल रहा भाई। यहाँ तो पुलिस पुलिस का काम है और किसी का कुछ नहीं, सब थप्पड़ मारे डेढ़ और लोग दोन लगा के ये गरीब तो और ताड़े पूछा दिए, ये गरीब तो और ताड़े पूछा दिए भाई। यहाँ तो पुलिस ही है जो कुछ है और कुछ नहीं। तो यहाँ के जैसे आप कह रहे हैं, यहाँ के जो थाने हैं उनमें आपके FIR दर्ज हो जाती है दलितों में, अगर आप अकेले जाके शिकायत करें किसी की? अकेले में नहीं, तजा मुझे लेकर जाना पड़े, सिफारिश सिफारिश पहले सिफारिश नुकहेगा भाई दरोगा 5000 रुपये मंगे,
2000 आप रख लगा तीन पकड़ा देगा डेढ़ एफ आई आर से फिर वो 5-4 दिन पे वो रद्द हो जाएगी। लेकिन सरकार के लोग तो ये कहते हैं कि भाई योगी सरकार में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, किसी को रिश्वत देनी नहीं पड़ रही है। अजी दुनिया भर की रिश्वत, इसके बाद तीन रिश्वत और की होगी। कोई 5-7 काम बताइए दलितों के लिए सरकार ने किए हुए। अगर आप यहाँ कुछ नहीं करे, आज तो यहाँ तो डंडे के तले रहे पुलिस वाले, अब गाड़े का डंडा दिखावे भाई गरीब आदमी अपना चुप हो जाओ। अभी जैसे देश में राम मंदिर का भी बड़ा चर्चा है, दलितों के लिए क्या ऐसे सामाजिक आधार पर कुछ काम किए? यहाँ कुछ नहीं हो रहा। दिल्ली में मंदिर ढाया सरकार ने जी, आप दिल्ली में क्या किया? दिल्ली में मंदिर नहीं ढाया था, रविदास मंदिर बताओ मुझे वोट देते के? लेकिन वापस मंदिर ढाया थे बता, जो कभी पुराने जमाने का बना हुआ था और वो ढा दिया 600 वर्ष पहला था और वो मंदिर ढाया, इसे वोट कौन दे देगा? दलित तो दे ही दे दी, वो तो सुमन होएगा हमारा। अभी जैसे आप भी लगातार देख ही रहे होंगे, गठबंधन की बात ही हो रही है सपा और लोक दल की, कि सब लोग किसान सब मजदूर उससे जुड़े हैं, क्या दलित उस गठबंधन की ओर जाएगा? ये बात सही है, गठबंधन की ओर झुका हुआ है, तो दलित समाज का गठबंधन की तरफ झुका हुआ है। ऐसा क्यों? क्यों समाज के हिसाब से तो अपने ये 5 अंगड़ी है, ये मुठ्ठा जी भी तो बने, नहीं ऐसे कहाँ बन जाएगा भाई, मुठ्ठी जी भी तो बन गई है, 5 अंगड़ी बिछेगी, तो इसलिए गठबंधन की ओर झुकाव ज़्यादा है। और बहन जी और चंद्रशेखर? नहीं इतना रुझान नहीं है भाई, इनका तो नाम भी नहीं आता, बोलो बोलो आई ना नाम इनका, इनकी तो गिनती खत्म कर दी उन लोगों ने, इन लोगों ने गिनती खत्म कर, इनके साथ जो रहने वाले इन लोगों ने गिनती खत्म करवा दी। आप ये बताइए कि जैसे लोग महंगाई की बात कर रहे थे, किस तरह का असर है दलित समाज पर महंगाई का? बस दलित तो बस भूखे मरा लग रहे, वो काम इनके चल नहीं रहे, अरे भूखे मरा लग रहे, काम चलागा तो कुछ मिलने लगेगा, और महंगाई ने जड़ पैड दी साड़ी ने, महंगाई तो इतनी हो रही है, गत्त फालतू हो रही है, एक नाज नाज को थोड़ा ही खा लेंगे, इनमें सब्जी भी चाह सब्जी भी कोई सी भी लगा ले 40 रुपये तक कम नहीं कोई सब्जी भी, ये मजदूर आदमी की मजदूरी नहीं लगेगी तो वो सब्जी कहाँ तक खा लगा, नमक की थैली लगा ले, नमक की थैली पहले 10 रुपये की आवा थी, 22 रुपये की होगी वो अभी, तो 12 रुपये कहाँ तक लियावेगा, 10 ही वो पूरे पर कर लगा 12 रुपये कहाँ तक लियावेगा। लोग तो कह रहे हैं राशन वासन मिल रहा है सरकार, राशन को थोड़े चाप लेंगे, ये गेहूँ को और चावल को थोड़े चाप लेंगे, नमक के दैने भी चाह, मिर्च भी चाह, उसमें कभी कदा का हरी सब्जी भी चाह। जितना जितना राशन मिल रहा है क्या एक परिवार में वो काफी है? काफी होता है, जीवन चल सकता है? नहीं उसमें नहीं चलने का, उसमें कहाँ तक जीवन चलेगा, मान लो 5 किलो एक आदमी को मिल रहा है कि महीने में 5 किलो खावागा, 15 किलो खावे, 1 किलो चावल मिल रहा है, 5 किलो गेहूँ मिल रहा है, 6 किलो में वो 15 एक महीना काट देगा के, मतलब उसमें काम चल जाएगा के, एक मजदूर है जिसके बच्चे है 4-5 तो वो तो एक टाइम में कम से कम 2 किलो आटा पकता ही होगा, हर रोजा कुछ साग सब्जी भी चाह सारी को, महंगाई ने जड़ पैड रखी भाई। अच्छा रोजगार है, नौकरियां है, उनकी क्या हालत है? रोजगार तो बस जब तक योगी सरकार पे ठीक, गरीब जनता में तो कोई होया ही नहीं होगा, गरीब जनता तो सारी नई सड़कों को पप्पड़ पेड़ती फिर रही। लोग तो कह रहे हैं कि बहुत नौकरियां दे रहे हैं, सब ये कर रहे हैं, उस लोग को मेरे सामने लिया बुला कर लिया था, जो मान लो वैसे कोई एक कोई मिली और नौकरी हमारे गाँव में, था हम तो अपने गांव पे डिपेंड कर सके ना, हमारे गांव में तो बदरे पर डेली के भीड़े लग रही है, इसी सड़कों को जोड़ से PMA के लिए और वे सड़कों पर लग रहे फिर। अच्छा योगी जी ने कहा था कि यहाँ पर काफी लोग नहीं है जो नौकरी कर सके, और योगी को तो वहाँ बैठे हुए को दिक्कत लग रही है, कौन इसके लायक है नहीं है, जोड़ से PMA फिर लग रहे हैं, यहाँ से भी लायक नहीं है। आप कुछ कह रहे थे, क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या होगा? इस बार भाई चुनाव में बहन जी आवेगी, मैं डबते तो यहाँ तो बहन जी के ही आदमी है सारे, दलित तो एक वोट बहन जी को देगा, बकाई में नहीं आवे सारे ऐसे ही है। चंद्रशेखर को नहीं जानते हम, तो बहन जी को जानते। हम शामली विधानसभा सीट के भविसा गाँव में थे, जहाँ हमने दलित समाज से बात की और जाना कि चुनावी मुद्दों को लेकर उनकी क्या सोच है, और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने इनसे बात की।
उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल जानने के लिए जुड़े रहे चलचित्र अभियान से धन्यवाद।